अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे। रोज रोज सनातन को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना तो सनातनी कब तक बर्दाश्त करेगा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर सोमवार को लखनऊ में पार्टी के कार्यक्रम में वकील के भेष में आए आकाश सैनी ने जूता फेंका था, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोपी की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद अयोध्या के हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने वाले आकाश सैनी का साधुवाद है और आने वाले दिनों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता सनातन धर्म को गाली देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जूता से किसी ने स्वागत किया है, उनको साधुवाद है। मैं निवेदन करता हूं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि हम सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी मत मतांतर को मानते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, रोज रोज सनातन को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं। एक तरफ तो लोहिया जी रामायण मेला की शुरुआत करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता जिस प्रकार से ये कहते हैं कि रामचरित मानस पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, जलाना चाहिए, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, सनातन को गाली देना, तो सनातनी कब तक बर्दाश्त करेगा। अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जूता चल रहा है, आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे, क्योंकि उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता रोज रोज सनातन को गाली देते हैं और अखिलेश जी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं करते हैं, इसलिए आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी के ऊपर भी जूता गिरेगा।